चेन्नई की बल्ले बल्ले शिवम दुबे और रोबिन उथप्पा के तूफान में उड़ा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए टाटा आईपीएल 2022 में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एंड बात करें टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 22 जो की डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां आरसीबी ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि आरसीबी का यह फैसला शुरुआती 10 ओवर तक काफी बेहतरीन रहा, जहां उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ मोइन अली को कुछ खास कमाल नहीं करने दिया, लेकिन इनके बाद रोबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने धमाल मचाना स्टार्ट किया, जहां रोबिन उथप्पा ने 50 गेंदों में 88 रनों की धुआंधार पारी खेली। वहीं शिवम दुबे 46 गेंदों में 85 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए। वहीं बात करें गेंदबाजी की तो हसरंगा ने जरूर 2 विकेट लेने में कामयाबी पाई। कुल मिलाकर सीएसके की टीम 20 ओवर में 216 रन बनाने में कामयाब रही। 217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत काफी खराब रही और 4 विकेट काफी जल्दी गिर गए। फैफ डुप्लेसी मात्र 8 रन बना पाए। वहीं अनुज रावत मात्र 12 रन बनाकर आउट हुए। वहीं विराट कोहली मात्र 1 रन बनाकर मुकेश चौधरी का शिकार हुए। वहीं बात करें ग्लेन मैक्सवेल ने जरूर तेजी से रन बनाने की कोशिश की, उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 26 रन बनाए। वहीं बात करें शाहबाज अहमद ने भी जबरदस्त युवा भारतीय बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी की, 41 रन बनाए मात्र 27 गेंदों में। वहीं बात करें प्रभु देसाई डेब्यू मुकाबले में 18 गेंद में 34 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन अंत में एबी डिविलियर्स की तरह बल्लेबाजी करने वाले दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बनाए। लेकिन आईपीएल 2022 में वो पहली बार आउट हुए और अपने लक्ष्य तक टीम को नहीं पहुंचा पाए। कुल मिलाकर आरसीबी की टीम 20 ओवर में मात्र 193 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। वहीं बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की, सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। बात करें रविंद्र जडेजा ने पूरे 4 ओवर डाले, इसमें बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेने में कामयाबी पाई। वहीं श्रीलंका के महेश दीक्षणा ने आखिरकार अपना जलवा बिखेरा और 4 विकेट लेने में कामयाबी पाई। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 23 रनों से जीतकर टाटा आईपीएल 2022 में अपना पॉइंट टेबल में अपना खाता खोल लिया है। करें पॉइंट टेबल की तो चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीतने के साथ ही नंबर 10 से नंबर 9 पर आ गई है, जहां उनका 2 पॉइंट्स हो चुके हैं मुकाबला जीतने के बाद। वहीं बात करें आरसीबी की तो आरसीबी नंबर 5 पर पहुंच गई है इस मुकाबले को हारने के बाद। फ्रेंड्स वहीं बात करें टाटा आईपीएल 2022 में आज होगा मैच नंबर 23 एमसीए स्टेडियम पुणे में, जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेज पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। क्या मुंबई इंडियंस को 2022 की पहली जीत मिलेगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय